सर, भैया इस मेरी तरह माजरत, नहीं, अगर आप इजाजत दें, कायरा साहब मैंने आपका इंटरव्यू पहले किया मेरी था, बात को मुकम्मल आपने करने इजहार दें, डार आपके साहब की, पिछले सवाल सारे रह गए सर डार आपको साहब पता ही की है। तो यार प्लीज हेल्प प्रोक्रास्टिनेशन की वजह करो, से यार जो भरोसा आईएमएफ करो की सर। डील 6 महीने लेट हो गई, यू ओन दैट डिसीजन, आपने कहा हम ये हमारा हम हमें कोई, उन्होंने नौजवान और बुजुर्ग तो का वो जो मियां हमारे साहब साथ, को नहीं कह रहे थे यार बात तो करने दो ना मेहर, प्लीज मैं बात करना शुरू करता हूँ आप फिर इंटरप्ट कर देती हो, प्लीज सर, वही बात कर रहे हैं, सॉरी सवाल तो करो सॉरी, ना आप मेरी दोस्त हो, कि बात ही आप है बुजुर्ग जो है भाई, पीछे वो बैठ जाएं। दस्तियों पार उन्होंने करेंगे, असेंबलियों दस्तियों में पार, खड़े होकर भी भाई कहा कि दस्तियों मरियम पार, के अब्बा से भी वो शिकवाया ठहर और अपने जाओ ना अब्बा से भी यार, शिकवाया। वो यार ठहर जाओ ना, मेहर एक काम करो आप सवाल थोड़े कर लो, क्योंकि सवाल छोटे करते हैं जवाब बड़े होते हैं। अगर आप अपनी ओपिनियन देके मुझ पर सवाल करोगे तो आपको 2 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा और फिर किसी वक्त बैठ के करेंगे। अब इस वक्त मैं स्काइप पे बैठा हुआ इन सारी चीजों को किस तरह हैंडल कर पाऊंगा? मेरा तो मसला यह है कि जब मैं जवाब देना शुरू करता हूं तो आप उसके दरमियान में से एक और सवाल ले लेती है, तो इस तरह डिबेट किसी तरफ कंक्लूड। Paid. Were you not sitting there? Is that my judgment or is it a fact that People's Party was in the 16-month I government? was there, we were sitting together, we were deciding together. Yes, it is true. बात खत्म शुद। खत्म शुद नहीं होती, सांसद खत्म, 2+2 नहीं है। मेहर जो मैंने करना है वो मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस पे तो नहीं करना, जो मैं दुरुस्त रास्ता समझता हूं मैं वो अडॉप्ट कर रहा हूं, आपकी नजर में हो सकता है वो गलत हो, ओके उसको बयान कर रहा है। सर मीडिया बाकी का सर से बयान बात करना करते या हो। आपका बयान करना जमीन आसमान का फर्क नो है। नो नो दोनों नो आप नो सर नो इलेक्शन नो आपने नो लड़ना है, नो 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 हम नो नो सर नो आप तो साफ साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेहर बुखारी ने अपने लाइव शो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान काया से कहा कि आप 16 माह PDM की हुकूमत का हिस्सा भी रहे और आज बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि ये नून लीग नहीं बल्कि महंगाई लीग है। इस पर कमर जमान कायरा और मेहर बुखारी के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। सर फरमाई दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी ने तो ऑफिशियली अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है, लेकिन एक जो एक बड़ी ग्लेरिंग डिस्क्रेपेंसी दिखाई दे रही है वो ये है कि बाप और बेटा जो है वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। सर बिलावल जो कहते हैं उसके बिल्कुल बरक्स इस सिस्टम में और इलेक्शन कमीशन में मुकम्मल भरोसा रखते दिखाई देते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, क्या अंदर से मुफाहमत खत्म हो गई है? ऐसी कुछ नहीं है, कुछ लोगों की ख्वाहिशों का तो हम कोई इलाज नहीं कर सकते। बात यह है कि जरदारी साहब ने जो बात कही इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो इलेक्शन कमीशन पे तो हम सब लोग कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने काफी हद तक अपनी पोजीशन को असर्ट किया है और वो बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, हमने 90 डेज का इलेक्शन कहा, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के इशू को बाकी जमातों के साथ, उनका मौका वो था, ये कायनी हैसियत है। उसके अलावा बाय लार्ज अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की है कि उनकी न्यूट्रलिटी रहे और वो असर्ट किए हैं उन्होंने अपनी पोजीशन, और ये जरूरी है। लेकिन अब अगले अगले मरहले में इलेक्शन का मरहला तो अभी आएगा ना सर, लेवल प्लेइंग फील्ड तो इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर करानी नहीं, है नहीं, ना, लेवल, तो इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन निगरान कमीशन जी एक एक लिमिट तक इलेक्शन कमीशन जो है वो दे सकता है, वो इलेक्शन कमीशन अपने स्फीयर के अंदर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमें शिकवा था कि आपने पंजाब में तरक्याती काम शुरू कराए, आपने सिंध में नहीं कराए, हमारे काम आपने रोक दिए, उसके ऊपर एक तहफात हमने बयान किए, अगर वो एड्रेस हो गए तो बिस्मिल्ला, कौन सा उसमें शिकवा रह गया, या अगर है तो फिर कर लेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक्चुअल काम तो यह है कि जब इलेक्शन कंडक्ट होगा, इलेक्शन की फिजा बनाने में, किसी को फेवर किसी को नॉन फेवर करने में, वहां तो इलेक्शन कमीशन का रोल थोड़ा है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट क्या है, ब्यूरोक्रेसी कैसे बैठी है, ये इलेक्शन कमीशन एक हद तक इसमें इंटरवीन कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास जितना अख्तियार था उन्होंने बाय लार्ज, आपको आपको इन दो चीजों में बिल्कुल तजाद नहीं दिख रहा जरदारी सर? सुन लीजिए ना, बिलावल भुट्टो का लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा और जरदारी साहब का इलेक्शन कमीशन में भरपूर एतमाद, इसमें आपको कोई तजाद नहीं दिख रहा? नहीं, देखिए मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का तो प्रोसेस शुरू हुआ है ना, अभी तक वो किसी हद तक न्यूट्रल है, अगर वो काम कर रहे हैं, अब हल्का बंदियों का अमल है, अब देखते हैं कि हल्का बंदियों के इस मरहले में इलेक्शन कमीशन ने जो प्रपोजल्स दी थी अब वो किसी की ख्वाहिशों के मुताबिक एडजस्ट होती है या न्यूट्रली एडजस्ट होती है, ये देखने वाली बात है। ये एक पहला मरहला आएगा, से आगे यूं तू मरहले आगे बढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन का तो तब आएगा, तो जो आज तक उनका कंडक्ट है उसके ऊपर यही कहा जा सकता है कि प्रोबेबली वो कंपैरेटिवली फेयरनेस के साथ चल रहे हैं, यही कहा जा सकता है ना। तो इसमें कौन सा क्यामत का समा आ गया, कौन सा डिफरेंस? सर मुझे नहीं पता, बिलावल साहब से पूछें कि कौन सा क्यामत का समा आ गया, वो तो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की सियासत पर की और इंतजामिया के लेवल प्लेइंग नो, ना देने के ऊपर। सर अच्छा फिर आपका कौन सी इंतजामिया से गिला है ये भी वजाहत कर दीजिए।
बात यह है कि पहला सवाल हम एड्रेस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वो आपने कहा बाय एंड लार्ज आप उससे मुतमईन हैं, सो यू आर जरदारी साहब ने जो बात की है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में की है जी। रही बात हुकूमत की, तो हुकूमत के ऊपर तो हमारा बड़ा वाज़ेह इतराज है ना कि हुकूमत की कैबिनेट में बैठे हुए लोग मेजोरिटी में वो है जो है काबिल, अपनी अहलियत में बैठे होंगे, लेकिन वो मियां साहबान के बड़े करीबी गिने जाते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और ये जो एतराज हुकूमत के बारे में और लाडले के बारे में, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बारे में, ये जो तहफात हम बयान कर रहे हैं, यही बैन ही यही तहफात या मोर और लेस मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसको बयान कर रहा है। सर मीडिया का बयान करना या आपका बयान करना जमीन आसमान का फर्क है। नो, सर इलेक्शन आपने लड़ना है, हम सर आप तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, मसला इधर ये है, मसला इधर ये है सर कि पहले सुने बात यह है कि मीडिया जो कुछ बयान कर रहा है वो हकायक बयान कर रहा है अपनी तरफ से, और हम भी जो बोल रहे हैं जो हमारे इल्म में है हम बयान कर रहे हैं। तो सर स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं ना, आप मुझे इजाजत तो दीजिए, इलेक्शन कमीशन से लार्जली आप मुतमईन हैं, यू आर टेंडिंग मोर टुवर्ड्स जरदारी साहब का मौकफ, अब आपको इंतजामिया से गिला शिकवा है, लाडला लाडला प्लस का आप लोग ताना देते हैं, बंद कमरों के फैसलों की आप लोग बात करते हैं, मगर ये सारा कुछ काबिले कबूल भी है एट द गिवन टाइम, और इसके ऊपर कोई रिजर्वेशन का इजहार जरदारी साहब ने नहीं किया। मुझे अब ये बताइएगा कि आप 16 माह की हुकूमत से डिस्टेंस करना और उसको पाकिस्तान महंगाई लीक कहना, जिस के साथ खुद वजीर खारजा की हैसियत से बैठे रहे बिलावल भुट्टो जरदारी 16 माह, जिनकी कैप्टनसी के अंदर शहबाज शरीफ साहब की उस टीम का हिस्सा रहे, ही ऑलवेज हैड अ चॉइस कि रिजाइन करके बाहर चले जाएं, लेकिन अब उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठाना, डार साहब के ऊपर सवाल उठाना, ये मंतक नजर आती है आपको? ये मंतक ना होती अगर वो हमारी जमात के वज़रा पे सवाल ना उठाते हसन इकबाल साहब और उनके बाकी साथी। और ये भी होता है महक, एक ना आप मीडिया वाले जिस एंगल से हमें देख रहे हैं ना, खास फोकस आपने रखा हुआ है, एक खास ऐनक है कि हम कल इत्तेहादी हुकूमत में थे, आपस में शीरो शकर बातें करते थे, इकट्ठे बैठते थे, एक दूसरे को डिफेंड करते थे, वो उस वक्त के गिवन टाइम का हमारा एक बिल्कुल दुरुस्त फैसला था और बेहतरीन तरीके से काम किया और इकट्ठे किया, इकट्ठे फैसले किए। उसमें कुछ फैसले वो हैं जो उनकी जमात की तरफ से हुए, उनकी पॉलिसीज के फैसले हैं, बट इवन देन हम इकट्ठे थे। दूसरा यह है कि अब हम आज हम इकट्ठे नहीं है सर, डिसीजन काबीना का था, ये सर गलत बात, कायरा साहब ये ना कहे कि उनकी डिसीजन थी, यू आर पार्ट ऑफ दैट सेटअप, नहीं बात होती। मगर सर मुझे बात पहले मुकम्मल करने देना ताकि फिर हम जब इकट्ठे थे तो भी आपसे कह रहे थे, आपके सामने कह रहे थे कि कल हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शनों में एक दूसरे की तारीफें नहीं की जाती। साहब आप मंशूर की करें बुराइयां, आप उनकी मंशूर के अंदर गलतियां निकालें, जो करेंगे वो हमारा, आप उन फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकते जो आपने मुश्तरका तौर पर साथ बैठ के लिए कैबिनेट में, यही चीज अयूब खान के साथ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, रिजाइन करने के बाद तंकीद की। महर जो मैंने करना है वो मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस पे तो नहीं करना, जो मैं दुरुस्त रास्ता समझता हूं मैं वो अडॉप्ट कर रहा हूं, आपकी नजर में हो सकता है वो गलत हो, ओके मैं तो देखूंगा ना, मैं पाकिस्तान के लोगों को एड्रेस कर रहा हूं, मुझे क्या सियासत है ना सर, टाइम बेस्ड पॉलिटिक्स है फिर, यू मे से इट, आई डोंट एग्री, दिस इज योर एंगल सर, ये एंगल नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, जिस काबीना का आप हिस्सा थे, जो हुकूमत आप लोगों ने साथ मिलकर बनाई थी, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, मैं तो आपको, आई एम कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड, वर यू नॉट सिटिंग देयर, इज दैट माय जजमेंट और इज इट अ फैक्ट दैट पीपल्स पार्टी वाज इन द 16 मंथ गवर्नमेंट, आई वाज देयर, वी वर सिटिंग टुगेदर, वी वर डिसाइडिंग टुगेदर, यस इट इज ट्रू, बात खत्म शुद्ध, खत्म शुद्ध नहीं होती सियासत, खत्म 2+2 नहीं है। हाँ कई चीजों के ऊपर आपको अपना ओपिनियन देना पड़ता है, हमारे लफ्जों के अंदर आपको एतराज हो सकता है कि सर जी हमें सर, ये मेरी माजरत, अगर आप इजाजत दें कायरा साहब, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने डार साहब की, पिछले सवाल सारे रह गए सर, डार साहब की यार प्लीज प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से जो आईएमएफ की डील 6 महीने लेट हो गई, यू ओन दैट डिसीजन, आपने कहा हम ये हमारा हम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डार साहब को मौका मिलना चाहिए, सही कर रहे हैं, अब मुड़ के वो कह रहे हैं पाकिस्तान महंगाई लीग, इट इज अ वेरी डिसीजन दैट यू सपोर्टेड ऑन माय शो। मेहर एक काम करो, आप सवाल थोड़े कर लो, क्योंकि सवाल छोटे करते हैं जवाब बड़े होते हैं, अगर आप अपनी ओपिनियन देके मुझ पर सवाल करोगे तो आपको 2 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा और फिर किसी वक्त बैठ के करेंगे, अब इस वक्त मैं स्काइप पे बैठा हुआ इन सारी चीजों को किस तरह हैंडल कर पाऊंगा, मेरा तो मसला यह कि जब मैं जवाब देना शुरू करता हूं तो आप उसके दरमियान में से एक और सवाल ले लेती है, तो इस तरह डिबेट किसी तरफ कंक्लूड नहीं होगी। मैंने कहा मैं जो अपने लिए इस वक्त हालात के मुताबिक तजिया समझता हूं वो अपने एंगल से, पीपल्स पार्टी अपने एंगल से करेगी, ये लाजम नहीं है कि महर या कोई और एंकर जिस तरह समझता है या हमसे तवक्को करता है हम वो करेंगे, तो फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है, और हम जो कर रहे हैं उसमें बहुत हद तक सेंस है।
चलें सर, अब उम्मीद है कि पब्लिक को भी सेंस लगे 16 माह हुकूमत करने के बाद, उसको रिफॉर्म करना ऐसा ही होगा। मगर राणा साहब तो बड़े पूरी उम्मीद है कि सादा अक्सरियत उन्हीं को मिल रही है, 120-125 सीटें निकाल जाएंगे वो दावा कर रहे हैं। गुड लक टू देम, मैं क्या कह सकता हूँ उनके दावे के ऊपर। आपको भी हंसी आ रही है, मुझे भी हंसी आ रही है। आप कोई दावा देने की पोजीशन में? मैं तो दावा नहीं करता इस तरह का। इस तरह के दावे जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ना, या हमारे गिले शिकवे हैं, या हमारा निजाम से कोई शिकवा है, या लाडलों की जो बात है, फिर इस तरह के दावे उन लाडलों की जो 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 हमारा क्लेम है उसको जरा ज्यादा मजबूत करते हैं। और कायर साहब ये बताइएगा कि बाबों की बात कर रहे हैं, उम्रें गिनवा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ज़ईफ़ों को अब सियासत छोड़ देनी चाहिए, क्या इसमें अपने वालिद साहब का भी शुमार करते हैं जरदारी बिलावल साहब? कितना मुझे हैरानगी है कि सवाल कैसे क्राफ्ट हो रहे हैं। ये आपने भी किया, कई और दोस्तों ने मुझसे सवाल किया भी। यार उन्होंने तकलीफ करते हुए अपना नैरेटिव दिया कि इस मुल्क के अंदर आम तसव्वुर ये है कि जिसके बाल सफेद होते हैं 70 साल उसका तजर्बा बड़ा होता है, वही बेहतर काम करता है। मैंने बतौर नए वजीर खारजा के अपने मुझे टाइम मिला, मैंने परफॉर्म करके दिया है, मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे मौका दीजिए। अब वो लोगों के पास जा रहे हैं, उन्होंने एक बात कही है, उसमें उनकी अपनी जमात के 70 साल भी हैं। यस, उनके वालिद साहब 70 साल से ज्यादा हैं, इमरान खान 70 साल से ज्यादा हैं। आपके फोकस सिर्फ एक शख्सियत के गिर क्यों घूम गया? ये उन्होंने एक बात कही है, एक दफा नहीं की, कई बार की है सर, और उनको तलकीन की है कि आप बुजुर्ग जो है पीछे बैठ जाए। उन्होंने असेंबलियों में खड़े होकर भी कहा था कि मरियम के अब्बा से भी शिकवा है और अपने अब्बा से भी शिकवा है। यार ठहर जाओ ना, वो दसियों बार करेंगे, उनका हक है, आप उनको रोक सकते हो? फिर वही, मैं रोक तो नहीं सकती, आपसे सवाल तो पूछ सकती हूँ या वो करते तो रहे। मैं तो सवाल भी ना पूछूं। मैं किसी एक शख्स के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा है कि 70 साल का बंदा लाजम नहीं है कि वो तजर्बे की बुनियाद पे बेहतर फैसले करे। बेनजीर ने भी तो अंकल्स के साथ यही बात की थी ना कि अंकल्स को पूरा एक तारीख रही है। बिलावल ने भी अगर ये बात की है, ये बात एतजाज अहसन साहब ने भी की थी 6-7 साल पहले। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि अभी नदीम अफजल चल ने कहा है टीवी पे बैठ के कि जरदारी साहब को भी फिर एक स्टेप पीछे ले लेना चाहिए। ओ भाई, नदीम अफजल चंद भी ताकतवर आदमी है, कह सकता है, मैं कमजोर बंदा हूं, मैं उस तरह बातें नहीं करता। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने किसी को एक्सेप्शन में तो नहीं खा, उन्होंने नौजवान और बुजुर्ग तो मियां साहब को नहीं कह रहे थे। यार बात तो करने दो ना मेहर, प्लीज। मैं बात करना शुरू करता हूँ फिर इंटरप्ट कर देती हूँ, प्लीज। सब वही बात कर रहे हैं, सवाल तो कर रहे हैं। आप मेरी दोस्त हो, 9 बजे आपको एहतराम करना चाहिए, मेरी आवाज ऊंची हो गई, दिस इज नॉट वे। लेकिन यार प्लीज मुझे बात करना। सवाल यह है कि उन्होंने जो बात कही है वो इस तनाजुर में है कि एक नौजवान आदमी के ऊपर हमारा, एक कल का मुंडा है, ये तो बच्चा है। उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं एक जमात का सरबराह हूं, मुझे मौका दो पाकिस्तान के लोगों, मुझे जब मौका मिला मैंने परफॉर्म किया है। ये जो नैरेटिव है कि सिर्फ सफेद बालों वाले बाबे या 70 साले यही काम कर सकते हैं, यही तजर्बाकार बेहतर परफॉर्म करते हैं, उस तनाजुर में वो बात है, उसको पता नहीं क्या उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल पूछ लूं कायरा साहब, पीछे बिस्मिल्लाह, ये जेनेरिक बात की है या मियां साहब के हवाले से कह रहे थे? भाई उन्होंने अगर तो मियां साहब का नाम लेके या किसी एक खास तनाजुर में कहा, आप बता दीजिए। कमाल है वैसे यार, कमाल है कायरा साहब, बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। नहीं यानी कि मियां साहब को भी नहीं कह रहे, अपने वालिद साहब को भी नहीं कह रहे, बिल्कुल ही। मेरा मतलब नहीं कहा, मैं मानती हूँ मैं सादा हूँ। मैंने कहा नहीं कि वो मियां साहब को कह नहीं कह रहे, मैंने कहा वो एक एज ब्रैकेट की बात कर रहे हैं और इस तनाजुर में कह रहे हैं कि पाकिस्तान, और वो उनका हक है यार। अगर हम मियां साहब को कहें कि पाकिस्तान के लोगों बस करो, मियां साहब को वोट ना दो, कौन सी क्यामत वाली बात है यार? ये मेरा नैरेटिव है, पाकिस्तान के लोग नहीं माने कि उनका हक है। मैं ठीक है सर, मैं आप तो कहते किसी नैरेटिव के ऊपर सवाल भी ना करो, सवाल कर लिया तो वो भी जेनेरिक है, फिर पता नहीं फिर आप बयानियां दे क्या रहे हैं। हमें जो समझ आ रही है आपको तो बिल्कुल उसके बारे में समझ आ रही है, हमें तो बड़ी खुल के समझ आ रही है कि वो यही कह रहे हैं ये आजमाए हुए लोग हैं, 4-4 बारियां देने जा रहे हो, अब मेरी बारी है और अब ये बुजुर्ग सारे पीछे बैठ जाएं। ये बात उन्होंने असेंबली में भी कही थी, मरियम के अब्बा, अपने अब्बा नाम लेके बात कही थी। तो आपका क्या ख्याल है, उन्हें कहना चाहिए कि नहीं, नहीं मौका दो मुझे पीछे रहने दो, ये कहना चाहिए? पता नहीं सर, अब क्या कहना चाहिए, आप और वो ही बैठ के समझे, बिकॉज हम तो शायद जो समझ रहे हैं। बुखारी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कल तक आप हुकूमत का हिस्सा थे और आप वजारतों के मजे लूटते रहे और आज आप नून लीग पर सारा मलबा डाल रहे हैं, उनको कहते हैं कि वो महंगाई लीग है, जबकि ये सारा कुछ आपने मिलकर किया है। नाज़रीन आपका क्या ख्याल है, मौजूदा हालात की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या नहीं? आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।